कसरात नगर के मध्य सनी चौपाटी यादव कॉम्प्लेक्स में इंडियन फिटनेस क्लब का शुभारंभ गुरुवार को पत्रकार नईम शेख ने फीता काटकर किया। क्लब के संचालक युवा तन्वीर शेख हैं। तन्वीर शेख ने बताया कि इंडियन फिटनेस क्लब में युवा वर्ग में सभी वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। सर्व सुविधायुक्त इस क्लब में आधुनिक मशीनें लगाई गई है। जब से युवा पीढ़ी अपने शरीर को फिट रखने के लिए फिटनेस पर ध्यान देने लगी है, जिम का कारोबार बढ़ गया है। फिल्मों में भी सिक्स पैक और बॉडी को लेकर क्रेज बढ़ा है। प्रतियोगिता में भी बॉडी का प्रदर्शन किया जाता है। युवाओं में बॉडी को लेकर जुनून सा है। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ पत्रकारगण मौजूद रहे। कसरा आवाज से अखिल खान की रिपोर्ट। मैं ऑनर हूँ द इंडियन फिटनेस क्लब का, और मैंने इस सोच से जिम को चालू करा है कि आज के दौर में लोग मोबाइल चलाते हैं सारा सारा दिन, बच्चे बड़े बूढ़े, और ये अपनी सेहत के साथ जो मिसबिहेव हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसके चलते मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें और थोड़ा वर्कआउट वगैरह करें। तो आप जहाँ भी रहते हैं आप सभी थोड़ा वर्कआउट ज़रूर करें। 30 मिनट 15 मिनट दिन भर में अपना 30 मिनट निकालें जिम के लिए या व्यायाम के लिए, योगा के लिए, जो भी आप वर्कआउट पसंद करते हैं उसके लिए। ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। सभी सैनिटरी लाइफ जी रहे हैं, सबके पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, सबके पास ऐशो आराम है, पर ये चीज़ों से हेल्थ ख़राब हो रही है। मतलब इंसान चलना फिरना बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा वाहन चलाने से, गाड़ी ड्राइव करने से थोड़ा चलना फिरना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, आज इंडियन क्लब के द्वारा आज जिम का ओपनिंग हुआ है। इस जिम में आधुनिक मशीनें आई है। जिस तरीके से आज व्यायाम करने के से जो इंसान फिट रहता है उसको लेके कई लोगों ने दूरियां बना रखी है। जिस तरीके से जिम से एक नई शुरुआत की जा रही है यहाँ पर कि भाई आए और जिम में अपना वर्कआउट करें और स्वस्थ रहे। आज जिस तरीके से ब्लड प्रेशर, शुगर, माइग्रेन इन तरीके से जो लोगों में हो रहा है उसको लेके आज अपन इस जिम के माध्यम से हमने ये शुरुआत की है कि भाई लोग फिट रहे और इन बीमारियों से दूर रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।